दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। इंडियन पेंचक सिलॉट फेडरेशन के तत्वाधान में चंडीगढ़ पेंचक सिलॉट एसोसिएशन द्वारा 11 मार्च से 14 मार्च तक गुरु हरगोबिंद सिंह खालसा कॉलेज लुधियाना पंजाब में सीनियर और मास्टर वर्ग की राष्ट्रीय पेंचक सिलॉट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत देश सभी राज्यों के लगभग 750 खिलाड़ियों पुरुष और महिला वर्ग ने भाग लिया। इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन के तत्वाधान में चंडीगढ़ पेंचक सिलाट एसोसिएशन द्वारा 11 से 14 मार्च तक लुधियाना के गुरु हरगोबिंद सिंह खालसा कॉलेज पंजाब में राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के 750 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की टीमों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट की टीम ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 5 महिला खिलाड़ियों ने और 7 पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और हिमाचल प्रदेश के लिए जो है 2 कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला की मधु कुमारी ने 55 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में टेंडिंग इवेंट, जो कि फाइटिंग इवेंट है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मैंने इस प्रतियोगिता में मास्टर इवेंट, जो टेंडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया और 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट किया और कांस्य पदक जीता। मैं अपनी तरफ से और हिमाचल प्रदेश पेंचक सिलाट एसोसिएशन की ओर से इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।